ओटीपी यहाँ पे आ चुका है। सिंपल मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं आपको पेस्ट कर दूँगा सिंपल, इसके बाद सबमिट करूँगा। देखते हैं भाई क्या होता है इसके बाद। एक 50 सेकेंड, 1 मिनट 50 सेकेंड हो चुका है। 53 हो गया, 54 हो गया, 11:01, 57 यानी 2 मिनट हो चुका। और देख सकते हैं पीएनआर डन हो चुका है। ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शैलेंद्र। तो दोस्तों आज मैं लाइव तत्काल टिकट बुक करने वाला हूँ IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से, जो कि आप लोगों को पता होगा फिलहाल में ही IRCTC रेल कनेक्ट ऐप और IRCTC की वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है। ज़्यादातर जो ओल्ड वेबसाइट में जो प्रॉब्लम जो आ रहे थे, IRCTC पेज जो है लॉग आउट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे सिंगल नाम जो है बुक करना है, तो ये भी मैं देखेंगे IRCTC का पेज जो है लॉग आउट होता है या फिर नहीं होता है, और हमारा तत्काल टिकट कितने सेकेंड में बुक हो पाता है। तो जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन किस टाइप करना है, IRCTC लॉगिन करेंगे। यदि AC टिकट बुक करना है तो 9:59:20-30 पर लॉगिन करना है। यदि स्लीपर टिकट बुक करना है आप लोगों को तो 10:59:25 पर लॉगिन करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 10:59:06-07 हो चुका है। तो 10-15 सेकेंड यहाँ पर हमें वेट करेंगे। यदि इससे पहले हम लॉगिन करते हैं तो हमारा पेज जो है लॉग आउट हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9:59 हो चुका है, मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं 10:59:46 हो चुका है, हमें जहाँ जाना वो सर्च कर लेना है। तो फिलहाल मैं आनंद विहार से रक्सौल सर्च कर लिया हूँ, और यहाँ पे डेट भी हमें सेलेक्ट कर लेना है। 6 तारीख में सेलेक्ट करता हूँ, और कोटा यहाँ पे मैं तत्काल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं 10:59 यानी 11:00 हुआ है और 1-2 सेकेंड हो चुका है। तो मैं यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक करता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे सर्च ट्रेन पे जैसे ही क्लिक किया हो तो यहाँ पे टाइम ले रहा है, और देख सकते हैं बुकिंग खुल भी चुका है। सिंपल एड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे, एग्री पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। सिंपल मैं सबसे पहले मैंने मास्टर लिस्ट में नाम सेव करके रख चुका था, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बुक टिकट ओनली कन्फर्म। यहाँ पे सिर्फ आपको एड्रेस चेंज चेक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सॉरी गलत पिन कोड दिखा रहा है, देखते क्या होता है। 84 53 55 05 इसके बाद कुछ भी आप सेलेक्ट करना है सिंपल, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपल करना है, तब देख सकते हैं यहाँ पे मेरा काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन फिर भी देख पाते हैं हमारा तत्काल टिकट बुक हो पाता है फिर नहीं हो पाता है। तो यहाँ देख सकते हैं 11:01 होने वाला है, 59:58 हो गया, 59 हो गया 60 हो गया। तो बुक टिकट पे देख सकते हैं यहाँ पर कितना टाइम लगता है देता है। सेकेंड पेज पर भी आ चुका है, 1:07 हो गया है। और इसके बाद प्रोसेस टू पे क्लिक करते हैं, ट्रैफिक लाइट सेलेक्ट करना। भाई ट्रैफिक लाइट मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद प्रोसेस टू पे क्लिक करेंगे। पेमेंट ऑप्शन में मैं यहाँ पे पेटीएम सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो भी देखते हैं। पेटीएम मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। 1:32 हो चुका है। इसके बाद देख सकते हो OTP आता है कब तक, 11:01:37:40 हो चुका है। OTP यहाँ पे आ चुका है। सिंपल मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं आपको पेस्ट कर दूँगा सिंपल, इसके बाद सबमिट करूँगा। देखते हैं भाई क्या होता है। इसके बाद 1:50 हो चुका है, 53 हो गया, 54 हो गया, 11:01:57 यानी 2 मिनट हो चुका। और देख सकते हैं PNR डन हो चुका है। तो फाइनली देख सकते हैं मेरा टिकट जो यहाँ पे बुक हो चुका है।